वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद स्टूडेंट्स. दिस इज़ जूही मिश्रा फ्रॉम अन अकेडमी. और आज की हमारी यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन में, लाइव क्लास में, मैं अन अकेडमी पर जूही मिश्रा अपने सभी लर्नर्स का वेलकम कर रही हूँ. मेरे पास बच्चों की लिस्ट आ गई है, फटाफट से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. मोस्ट वेलकम अनिमेश, वेलकम शुभम, मोस्ट वेलकम गौरव, वेलकम कबीर, वेलकम सोनल, मोस्ट वेलकम एंड जय हिंद. आज की जो क्लास है, ये क्लास स्पेसिफिकली हमने टारगेट की है उन स्टूडेंट्स को जो नीट 2020 में अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम हमें 2020 के लिए प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम अब 1 से 2 महीने में कभी भी डेट आ सकती है. सो इस बार टारगेट करेंगे, ठीक है, किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो एक बार फिर से जान लीजिएगा क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जो बच्चा नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जिनको नीट 2020 देना है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. साथ में जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं उनके लिए, और क्लास 12th भी, बिकॉज इसमें हमने कंप्लीट बायो ली हुई है. ये पूरा 1 आवर का लाइव सेशन है, और इस 1 आवर के लाइव सेशन में मैंने 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिनको MCQs के फॉर्म में, ठीक है, हम अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. और यहाँ पे आप अपने चैट बॉक्स में आंसर करेंगे मुझे, मैं चेक करूँगी सबका आंसर. डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसी कॉमेंट में मुझे क्वेश्चन करिएगा, आई विल आंसर ऑन दैट. सो स्टार्ट करें क्लास. एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो में, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वाई और एन के फॉर्म में फटाफट से टाइप कर दें. सब ठीक है? ऑल ओके? मेरी आवाज़ जा रही है सबको? हेलो क्लास, ओके फाइन. चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे सेशन अपना, ठीक है. और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसा मैंने आपसे बोला, आप जो भी बोलेंगे, जो कुछ भी आपको लिखना है वो कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे, ठीक है, जो चैट कॉलम है. मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, मेरे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे बच्चे नए हैं अनअकैडमी पर, लास्ट 3 सालों से वेरीफाइड प्लस एजुकेटर, MSc बॉटनी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सेट DCA BEd है. इस समय मैं एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बायो की लेक्चरार हूँ. साथ में 9 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं बायो के स्टूडेंट्स को बॉटनी और जूलॉजी की प्रिपरेशंस करा रही हूँ. चलिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है. और आप क्या करेंगे, अपने आप को मार्क्स देना शुरू करेंगे, ठीक है. मार्क्स कैसे देंगे क्लास, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर स्लाइड है. जिन बच्चों का करेक्ट आंसर होगा, ईमानदारी से नंबर दीजिएगा, करेक्ट आंसर के लिए अपने आप को +4 आप देंगे. अगर आपने गलती की है, आंसर आपका अगर इनकरेक्ट है, देन आप अपने आप को -1 अलॉट करेंगे. और क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को 0 अलॉट करेंगे, ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ क्लीवेज फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साल फर्स्ट. चलिए क्लास, फटाफट से आंसर करना शुरू करिए. साल फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका क्लीवेज साइट क्या होता है? साल फर्स्ट का क्लीवेज साइट. कमेंट में आंसर करेंगे क्लास, जल्दी जल्दी स्टार्ट करिएगा फटाफट से कि क्या इसका आंसर होगा. आपके सामने दिख रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है, एक अंतरिक्ष का एक आंसर आया ऑप्शन बी. और भी बच्चे, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आप कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन उसके काफ़ी देर के बाद आपका इस पे आंसर आ रहा है.
वेरी गुड मॉर्निंग अंकिता. चलिए पहले क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करें. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑप्शन ए दिया हुआ है, जीटीसी जीएसी. ठीक है, ये आपका स्टिकी एंडेड कटिंग दिखा रहा है, स्टिकी एंडेड. ठीक है, ये वाला भी स्टिकी एंडेड दिखा रहा है. आपको मालूम है, और ये सारे स्टिकी एंडेड ही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें जो क्लीवेज होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करती है. सबको मालूम होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है. मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर दूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब या पैलिंड्रोमिक डीएनए का क्या मतलब होता है. अगर आप किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को लेफ्ट टू राइट रीड करो, या फिर आप राइट टू लेफ्ट रीड करो, उसका सीक्वेंस सेम आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं मलयालम, एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, ठीक है, तो मलयालम लिख दिया. हिंदी में अगर आप जैसे जहाज लिखते हैं, तो दोनों साइड से पढ़ेंगे तो सेम स्पेलिंग आती है. डीएनए का ऐसा सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा. और रेस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या है, दे आर कॉल्ड द मॉलिकुलर स्केलेपल. इनको मॉलिकुलर स्केलेपल बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए को, ठीक है, जो प्लाज्मिड होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहाँ के टारगेट सीक्वेंस को कट करेगा और स्टिकी एंडेड डीएनए प्रोड्यूस करेगा. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा. ठीक है, साल फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, यहाँ से निकालते हैं आप. ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस. ठीक है, इसका टारगेट सीक्वेंस, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पॉइंट याद रखना है आपको, कि जो टारगेट सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है. कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, वो डिफरेंट टाइप के टारगेट सीक्वेंस को कट नहीं करेगा. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जी टी सी जी ए सी, लेफ्ट टू राइट भी पढ़ने में आएगा, और अगर आप राइट टू लेफ्ट इसको रीड करेंगे, अगेन जी टी सी जी ए सी. ठीक है, ओके. सो क्लास, फटाफट से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन हो गया. तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है आंसर, अपने आप को प्लस फोर अलॉट करिए, और जिन्होंने अदर देन ए दिया है वो माइनस वन देंगे, जिन्होंने किया नहीं है वो जीरो. क्वेश्चन नंबर टू पर आइए क्लास. आइडेंटिफाई द नेट डार्क रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल सी थ्री साइकिल फ्रॉम द गिवन रिएक्शन. फटाफट से आंसर करिए क्लास. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. आई होप जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके. सो ऑप्शन ए देखिएगा, 6 RuBP प्लस 6 CO2 प्लस 9 ATP प्लस 6 NADPH इज इक्वल्स 6 RuBP प्लस C6H12O6 प्लस H2O प्लस NADP प्लस ADP प्लस PI. तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. आपको ये बताना है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन सबको मालूम है ना, फोटोसिंथेसिस में दो स्टेजेस आती हैं. ये सारा कॉन्सेप्ट जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए नया होगा, 11th वालों के लिए. सो मैं इंडिविजुअल लेसन आपको पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे. फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है. एक लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, जो ग्रेना में होता है, और एक डार्क रिएक्शन होता है जो स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के. तो केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा. मेरे पास एक आंसर, दो आंसर आ रहा है, और दोनों ऑप्शन बी है. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, फटाफट से आंसर करिएगा. क्लियर हो रही है ना स्लाइड्स, क्लियर तो हैं. चलिए क्लास, चेक करें इसका आंसर फिर. एक और आंसर ऑप्शन बी, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं. केल्विन साइकिल और एक C4 साइकिल भी है, जो दोनों डार्क रिएक्शन में है. हाँ, आंसर इसमें दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर टू जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. वेरी गुड, मेरे पास जो भी आंसर आए हैं इसमें, वो ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी दिया हुआ है. ठीक है, देखो मैं आपको ब्रीफ कर दूं. सबको मालूम है जो केल्विन साइकिल चलती है, उसके तीन फेजेस होते हैं. पहले तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है,
RuBP 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें कार्बन जुड़ेगा तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जो अनस्टेबल है, बाद में ये टूटेगा ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 मॉलिक्यूल का है, तो तीन तीन मॉलिक्यूल का 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। दूसरा स्टेप जो होता है वो रिडक्शन होता है, कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, और तीसरा होता है रीजेनरेशन ऑफ RuBP। आप केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल का जो कार्बन का एक्सेप्टर है वो राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट RuBP है, ये कार्बोक्सिलेट होगा ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर आपको बनाना है फ्रॉम केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल 6 टाइम्स ऑपरेट करती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर 6 केल्विन साइकिल ठीक है, 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी तब जाके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है ठीक है। और 1 केल्विन साइकिल जो है ठीक है, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं, तो एक बार अगर केल्विन साइकिल चलती है तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है प्लस 2 NADH2 की रिक्वायरमेंट होती है, NADPH प्लस H प्लस ठीक है। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ATP चाहिए, 2 NADPH2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 NADPH2 चाहिए ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपको मिला, केल्विन साइकिल 6 टाइम्स ऑपरेट करती है तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए क्लास, द टाइप ऑफ सिंगेमी फाउंड इन द ईस्ट, ईस्ट जो है इट्स अ फंगस ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको मालूम होगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ठीक है। चलिए क्लास फटाफट से बताइए, जो सैक्रोमाइसिस होता है इट्स अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस, एस्कोमाइकोटा एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सिंगैमी है, वो कैसे होती है, आइसोगैमी से होती है, एन आइसोगैमी से होती है, उओगैमी से होती है, या होलोगैमी होती है। फटाफट आंसर करेंगे क्लास, जिन्होंने क्लासेस अभी ज्वाइन की है मेरी तरफ से उनको वेलकम कर रही हूँ। क्लास टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, 35 इंपॉर्टेंट MCQs हैं कंप्लीट बायो से, जो नीट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, एक ऑप्शन आंसर सी देन ए, जल्दी करिए क्लास फिर हम चेक करेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास अभी और 32 क्वेश्चंस बचे हैं। इसका चेक करें आंसर, आंसर इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दिस विल बी ऑप्शन डी ठीक है, होलोगैमी होता है। होलोगैमी समझते हैं क्या है, आपने आइसोगैमी पढ़ी होगी, आपने एन आइसोगैमी पढ़ी होगी, लेकिन ईस्ट में होलोगैमी होती है। दिस इज वेरी सिंपल, देखो डियर, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है, एक ही सेल ईस्ट में होती है, ये उसका न्यूक्लियस है, चूंकि ये यूकैरियोट होता है तो सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इसमें ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सेल वॉल भी होती है जो काइटिन की होती है। होलोगैमी का मतलब व्हेन होल बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ठीक है, होल बॉडी इन्वॉल्व इन, पूरा शरीर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब शरीर ही एक सेल का है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, तो वहां पे कोई आपको दूसरा स्ट्रक्चर तो दिखेगा नहीं, तो पूरा का पूरा सेल ही जो है ये क्या करेगा, ये आपका रिप्रोडक्शन करेगा और डॉटर ईस्ट जो डॉटर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, आइसोगैमी एन आइसोगैमी और उओगैमी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, सिमिलर गैमेट्स के बीच में होता है तो आइसोगैमेट, डिफरेंट गैमेट्स के बीच में होता है तो एन आइसोगैमेट, और अगर एक स्पर्म जो मोटाइल है और एक ओवम जो नॉन मोटाइल है, इनके बीच में एक्टिव और पैसिव गैमेट्स के बीच में होता है, तब आप इसको क्या बोलते हैं, तब आप इसको उओगैमी बोलते हैं, जो सबसे एडवांस है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए क्लास,
in higher organism, anaerobic respiration cannot continue for long as. Higher organism में चाहे higher plant की बात करें चाहे higher animal की बात करें, वहाँ पे लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो सकती? क्या रीज़न है? डज नॉट डिकम्पोज सबस्ट्रेट कम्प्लीटली, द एंड प्रोडक्ट्स इज नॉट यूजफुल, टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, द मोर सबस्ट्रेट डिकम्पोज बट लिटिल लेफ्ट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. ईस्ट के साइंटिफिक नेम की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है सेकेरो माइसिस, ये जीनस है, और सेरेविसी ये स्पीशीज है. दिस इज स्मॉल सी, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी. क्लास ऑप्शन आ रहा है, बी ए में आंसर आ रहा है, एक शुभम का आंसर, एक अनिमेश का आंसर. और बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? हिमांशी है, सोनल है, ये बच्चे अंतरिक्ष, ये बच्चे नीट के हैं. आंसर दीजिए फटाफट. एनेरोबिक रेस्पिरेशन लंबे समय तक क्यों नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट आंसर चेक करें क्लास, ऑप्शन डी होगा. भाई यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होता है वो सबस्ट्रेट का तो ज़्यादा होता है लेकिन एनर्जी बहुत कम मिलती है. आप सबको मालूम है कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 होगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सीधे जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो 2 ATP के फॉर्म है. ये मैं इनकम्प्लीट रिएक्शन आपको दिखा रही हूँ. सिर्फ इतना समझिएगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नहीं होगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और जो ATP यहाँ पे बनती है, जो ATP यहाँ पे निकलती है ना, वो बहुत कम होती है, जिसका खर्च करके आप अपनी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नहीं कर सकते. अगले क्वेश्चन पर आइए क्लास, अगेन बायोटेक से है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक क्लोनिंग सीक्वेंस, यूनिक रिकॉग्निशन साइट लोकेटेड इन AMPR एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन इन क्लोनिंग वेक्टर PBR322. सबसे परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर PBR322 होता है. NCERT में आपने PBR322 का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा. इसमें कौन सा रिकॉग्निशन साइट है जो इसके एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट एरिया जीन में पड़ता है? अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको मालूम होगा जो PBR322 है, इस PBR322 में क्या होता है कि ये सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, आपका क्लोनिंग वेक्टर है. दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पाई जाती है, एक तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट होता है और एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट होता है. तो यही बताना है कि एम्पीसिलिन वाले में कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टारगेट करेगा. PVU2, SAL1, SMAH1, PST1. फटाफट से आंसर करिए क्लास. आंसर एक ऑप्शन बी आया है मेरे पास. और बच्चे कहाँ गए? इसका देयर जो करेक्ट आंसर है ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी दैट इज जो PST1 है, ठीक है, आप इसको प्रिपेयर करिएगा. PBR322 से एग्जाम में फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है. PBR322 आप इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और यहाँ पे ध्यान से याद करिएगा कि PBR322 में कितने क्लोनिंग वेक्टर्स लगते हैं, ठीक है, मतलब कितने रिकॉग्निशन साइट होंगे, कितना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी में आएगा, कौन सा AMP के R में आएगा, ठीक है. अगर आप ये फिगर बेस्ड है मुकेश, फिगर आप अगर देखेंगे ना PBR322 का, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका AMPR रेसिस्टेंट वाला पोर्शन पड़ता है जिसमें PST1 की कट आती है. ये हाफ एरिया AMPR वाला कंट्रोल करता है, हाफ PR जो होता है वो TETR से होता है, ठीक है. तो ये PST1 जो है ये एम्पीसिलिन वाले एरिया में पड़ेगा. नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन है. अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 पे, तो
तो आप इस प्रोसेस को कैसे रोकेंगे? इनहिबिटर आपको बताना है जो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी वन पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसको ब्लॉक करने के लिए क्या करना है। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट कराते हैं, एंटीमाइसिन ट्रीटमेंट कराते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल का ट्रीटमेंट कराते हैं या नियोमाइसिन का ट्रीटमेंट कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके इनहिबिटर का आपको नाम लेना है, ठीक है, कि कौन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बी से सी वन पे जाने से रोकेगा। आंसर जल्दी जल्दी आंसर करिए क्लास, ए बी आ रहा है और बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। जो एंटीमाइसिन है ना, एंटीमाइसिन है, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को साइटोक्रोम बी से सी वन पे जाने को रोकेगा। कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन होता है, ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में मेटाफेज पे डिवीजन को ब्लॉक करेगा। डाइनाइट्रोफिनॉल जो है 2,4-डी-नाइट्रोफिनॉल, ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सिन होता है, ठीक है, ये आपका एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज करते हैं। नियोमाइसिन भी एंटीमाइसिन है, ठीक है, अरे सॉरी एंटीबायोटिक है, लेकिन उसका रोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ब्लॉकेज में नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन पर आइए क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का लिब्रेशन जो होता है उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेस का नाम लेना है आपको, कैल्शियम प्लस क्लोराइड, मैंगनीज प्लस क्लोराइड, कैल्शियम प्लस मैंगनीज, मैंगनीज कैल्शियम प्लस क्लोराइड, आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लास्ट 5 ईयर का पेपर देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेस, OEC, फटाफट से आंसर दीजिए क्लास, ABCD क्या होगा आंसर? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, इसमें मैंगनीज भी आता है, इसमें कैल्शियम आयंस भी आते हैं और इसमें क्लोराइड भी आएगा जो वाटर की फोटोलिसिस करेगा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है ऐसे एलिमेंट जो वाटर को हाइड्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज करेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे ताकि वो ट्रांसपोर्ट होके एसिमिलेटरी पावर्स का फॉर्मेशन करें। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर आइए क्लास। द राइस डेवलप फ्रॉम ट्रांसजेनिक अप्रोच राइस इन रिच इन विटामिन ए, क्या होगा इसमें? ब्राउन राइस, गोल्डन राइस, शरबती सोनोरा या फिर बासमती? आंसर आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन बी दिया है। ट्रांसजेनिक राइस की वैरायटी किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर है इसका ब्राउन राइस, सॉरी क्या होगा इसका आंसर, गोल्डन राइस, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर गोल्डन राइस होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, गोल्डन राइस जिसमें बीटा कैरोटिन बहुत होता है, बीटा कैरोटिन। तो गोल्डन कलर, ये हल्का ऑरेंज और येलो कलर का चावल होता है जिसमें बीटा कैरोटिन ज़्यादा है और बीटा कैरोटिन की वजह से, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटिन जो राइस के ग्रेन्स का कलर होता है वो येलो ऑरेंज होता है, इसीलिए गोल्डन राइस बोलते हैं। साथ में एक बात और याद रखिएगा, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटिन के साथ साथ फेरिटिन, आयरन के कंपाउंड्स भी होते हैं, इसमें आयरन भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से मैच द कॉलम कराइए क्लास। कॉलम 1 पे
देखो ये क्लोरोफिल के इम्पीरिकल फॉर्मूलाज हैं, दीज आर द इम्पीरिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। क्लोरोफिल ए है यहाँ पे, और क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ए, फ्यूकोजेंथिन बी है, फाइटॉल है। तो आपको इन इम्पेरिकल फॉर्मूला को बताना है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। C42H5806, 55, 72, 05, N4Mg, C55H7406, N4Mg, 20H4O। फटाफट से बताइए क्लास, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराएंगे आप। ये सिल्वर राइस क्या होती है डियर, जिसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट नहीं है, ग्रेन्स वाइट होते हैं, बायो फोर्टिफाइड है मुकेश। सिल्वर राइस बायो फोर्टिफाइड होती है, ग्रेन्स का कलर जो होगा वाइट होगा, बीटा कैरोटीन की मात्रा इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये भी ट्रांसजेनिक, लेकिन फोर्टिफिकेशन से बनाते हैं, जिसमें आपको स्टार्च का लेवल जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। एक सेकेंड, बी सी सेम है, एक सेकेंड, बी और सी, 3124। अच्छा हाँ, 3124, कोई नहीं, आप दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर लेंगे, आंसर जो है इसी में से है, ठीक है। चलिए फटाफट से मिला लें। 42 50H06, ये फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर क्यों आता है, क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है। ये आपका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल क्लोरोफिल है। ये आपका क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियो सॉरी ठीक है, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है आपका, और ये आपका क्या है, फाइटॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर आइए क्लास। बी और सी एक हैं, जिन्होंने ऑप्शन बी और सी दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए क्लास। बायो पेटेंट्स आप किसको नहीं दोगे, बायो पेटेंट्स आर नॉट अवॉर्डेड, फटाफट करिएगा, और भी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सेल लाइन, रीडिस्कवर्ड एक्सटिंक्ट प्लांट और एनिमल स्पीशीज, डीएनए सीक्वेंस, प्रोडक्ट एप्लीकेशन। बायो पेटेंट कहाँ पे नहीं दे सकते या नहीं दिया जाता है, ये आपको मालूम है ना। बायो पेटेंट क्या होता है, जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करते हैं तो उस पर जो एकाधिकार होता है, जो मोनोपोली होती है, कि ये मेरी खोज है, इसको और कोई अपने नाम, कॉपीराइट समझ सकते हैं आप, कि ये कॉपीराइट है। तो बायो पेटेंट आप किसको नहीं दोगे, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी, पहले से खोजा है बाद में फिर खोज दिया गया, ठीक है, उसके लिए बायो पेटेंसी अलाउ नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी किसी ने डिस्कवर किया है। यस ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है, रीडिस्कवर्ड चीजों पे बायो पेटेंसी एप्लीकेबल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइए क्लास। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको कहाँ मिलेगी और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ मिलेगी, वन और टू, फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश और डैश में फिल करिए क्लास। ब्रायो टेरिडो, एनजीओ ब्रायो, एल्गी एनजीओ, टेरिडो एल्गी, फटाफट से आइएगा क्लास। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बतानी है कहाँ पर है, वन में जो होगा उसको रखिएगा, बी में जो होगा उसको रखिएगा, और आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन पे वन और टू फिट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो एल्गी में होती है, थैलोफाइटा में, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स में होती है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए क्लास। रीजेनरेशन ऑफ RuBP, RuBP का रीजेनरेशन, मैंने अभी जस्ट आपको केल्विन साइकिल बताया था, तो केल्विन साइकिल में रीजेनरेशन जब RuBP का होगा तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ट्रांसकीटोलेज, ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज, एल्डोलेज या फॉस्फोराइबुलो काइनेज, विच वन ऑफ द एंजाइम डज नॉट इन्वॉल्व इन द रीजेनरेशन ऑफ RuBP। RuBP के रीजेनरेशन में कौन सा एंजाइम आप एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा इसका।
आंसर ध्यान से करिएगा क्लास। इसका करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रायोस फॉस्फेट काइनेज RUBP के रीजेनरेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए क्लास। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। दी ओपन टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर विदाउट मैग्नीशियम एंड विदाउट फाइटॉल यूज फॉर द क्रोमेटिक एडाप्टेशन आर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस जो है, ये फोटोसिंथेसिस जो है ना, उसके पिगमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि टेट्रापाइरोल का स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे, और अभी बता रही हूँ रोजी, क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से बता रही हूँ, पहले आप एक बार 13 को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए, मैं 12 का डाउट अभी क्लियर कर रही हूँ। फटाफट आंसर करिएगा, क्या आंसर है इसका? देखो, याद रखना, अगर आपने टेट्रापाइरोल, आपको मालूम होगा क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में चार रिंग होती है जिसको टेट्रापाइरोलिक रिंग बोलते हैं, और ये टेट्रापाइरोलिक रिंग 1 2 3 4 होता है। आपको मालूम होगा क्लोरोफिल में बीच में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस टेट्रापाइरोलिक चारों रिंग में बीच में से मैग्नीशियम हटा दें और इसकी फाइटोल की टेल हटा दें, तो फाइकोबिलिन पिगमेंट बचता है। यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, फाइकोबिलिन जो वाटर सॉल्युबल है। 12 का आंसर, अच्छा ये 12 के लिए पूछ रहे हो ना, ट्रांसकीटोलेस क्यों नहीं होगा? यहाँ पे डियर देखो, आप अगर ये देखो, आप इसका रिवर्सल पढ़ सकते हैं, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में भी आपको ये मिलेगा, फॉस्फोराइबुलोज काइनेज। देखो ये डिटेल में दिया हुआ है, जब आप रीजेनरेशन कराएंगे RUBP का, इसके लिए आपको स्टेप्स देखने होंगे। वहां पे आपको क्या मिलेगा कि जब RUBP रीजेनरेट होती है, ठीक है, और आधा हिस्सा इसका ग्लूकोज बनाने में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे कोई कीटोन शुगर नहीं है जिसका कहीं से ट्रांसफर हो, तो कीटोन ग्रुप या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए कीटोलेज होगा, जो एक कीटोन को दूसरे पर शिफ्ट करेगा, तो इसकी वजह से ट्रांस कीटोलेज की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए क्लास, अभी इतने ही क्वेश्चन और करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक माइक्रोब, फटाफट आंसर करिएगा, कौन सा ट्रांसजेनिक माइक्रोब है जो प्लांट को फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब समझते हैं ना, बर्फ से जो पौधे डैमेज होते हैं, बर्फबारी, ओले पड़ते हैं, ठीक है, फ्रॉस्ट गिरता है, उससे प्लांट को बचाएगा जम जाने से, पेड़ को जम जाने से, इतने ठंड में जहां पे पेड़ फ्रॉस्ट से खराब होता है, कौन सा ट्रांसजेनिक माइक्रोब जो है ये प्लांट को बचाएगा? ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में से है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होगा? जिसमें ट्रांसजीन है, तो ट्रांसजीन रखने वाला कौन सा माइक्रोब है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का, मैं बता रही हूं क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस कराने हैं क्लास। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए फटाफट से। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस। ना ना, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है ये, फ्रॉस्ट डैमेज से प्लांट को बचाएगा। सीडोमोनास पुटीडा क्या होता है भाई? सुपर बग को बोलते हैं। सीडोमोनास पुटीडा याद रखिएगा, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, ये ऑयल को डिस्ट्रॉय करता है, ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है जिसको सुपर बग बोलते हैं, सुपर बग। लेकिन सीडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है ये फ्रॉस्ट डैमेज करने डैमेज से बचाने वाला माइक्रोब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए क्लास, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल, ऑफ द क्रैप साइकिल रिक्वायर, माई गॉड, चलिए तो ठीक है, आप कर लेंगे, इसका आंसर डिस्प्ले कर चुका है, लेकिन आप इसको समझ जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा कि क्रेप साइकिल के रिएक्शंस को देखना है, जिसमें कौन सा एंजाइम है जिसमें कोफैक्टर लगेगा, थियामिन पाइरोफॉस्फेट टीपीपी और लिपोइक एसिड, दे आर द कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं ये, कोफैक्टर हैं। टीपीपी का फुल फॉर्म मालूम है ना, थियामिन पाइरोफॉस्फेट, थियामिन पाइरोफॉस्फेट, टीपीपी और लिपोइक एसिड। तो याद रखिएगा, जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का और ये कन्वर्ट होती है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, ठीक है, ये 5 कार्बन का है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का, ठीक है, तो 5 कार्बन का कीटो ग्लूटारिक एसिड 4 कार्बन के सक्सिनिक को इंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे इंजाइम जो लगेगा उसका कोफैक्टर टीपीपी और लिपोइक एसिड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 16, रीड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक पेस्ट, रेसिस्टेंस के लिए आंसर देना है कि ट्रांसजेनिक प्लांट में जिनको पेस्ट रेसिस्टेंस बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर जो कीड़े हैं जो इंसेक्ट है अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय ना करे, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। बीटी कॉटन क्राई सेकेंड एसी बॉलबम्स कंट्रोल करेगा, बीटी कॉटन क्राई 1 एबी जीन बॉलवर्म्स कंट्रोल करेगा, ट्रांसजेनिक कॉर्न है, क्राइस सेकेंड ए बी जीन कॉर्न बोरर से प्रोटेक्ट करेगा, या रेनाई टेक्नोलॉजी, रेनाई का मतलब जानते हैं ना, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं, जिसमें एक निमेटोड है मिलेडो गाइने इनकॉग्निटा, इसके आरएनए को हाइब्रिडाइजेशन से रोकेंगे और वर्म को नेचुरली डिग्रेड करते हैं। इसका जो आंसर भी होगा वो ऑप्शन डी है, आरएनए साइलेंसिंग करेंगे और निमेटोड जो है क्या करेंगे, इस निमेटोड को रोकेंगे और ये अपने आप मर जाता है और उसके बाद फर्दर ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइएगा, नेचर्स कॉन्ट्रीवेंसेस टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट इंक्लूड, फटाफट आंसर करिएगा कि नेचर ने, ठीक है, इनमें से क्या इंश्योर नहीं किया है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर नहीं करता, डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी, हर्कोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर नहीं करेगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्लिस्टोगेमी होगा। डियर, क्लिस्टोगेमी क्या होता है, जिसमें फ्लावर ओपन नहीं होते, फूल खिलते नहीं हैं, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होंगे, दे आर द नॉन ब्लूमिंग फ्लावर, जैसे कॉमलीना है, जैसे वायोला है, जैसे ऑक्जेलिस है, फ्लावर की ब्लूमिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अगले क्वेश्चन पर आइए, नंबर 18 पर, रीड द गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं चारों में से। कंपेयर टू द प्लाज्मिड वेक्टर, फाज वेक्टर्स आर मोर बेटर, प्लाज्मिड वेक्टर आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए, माइक्रो इंजेक्शन या बायोलिस्ट, ठीक है, हाँ, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज इन एग ओसाइट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल यूज टू हेल्प फॉरेन डीएनए टू एंटर द होस्ट। फटाफट आंसर करिएगा, गलत स्टेटमेंट बतानी है। एक प्रैक्टिस सेशन 24 तारीख को भी होगा, 24 तारीख मैं लिंक शेयर करूंगी अपनी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक शेयर करूंगी प्रोफाइल पे, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ये, और जो बच्चे प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, रेगुलर 11th और 12th की क्लासेस अगर आपने करनी है तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी जो, ठीक है,
आपको क्या देखना है इसमें कि गलत क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ये डबल होता है, ठीक है? तो ये गलत है, बाकी तो ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सब ठीक है, लेकिन सिंगल नहीं होता, डबल होता है। नेक्स्ट है, इफ सिक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंटर इन ग्लाइकोलिसिस, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल विल बी जनरेटेड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? फटाफट आंसर दीजिएगा। अगर 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंटर कर जाए ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरविक एसिड बनता है, तो 6 मॉलिक्यूल अगर एंटर करेगा तो कितने पायरविक एसिड बनेंगे? एक ग्लूकोज से 2 पायरविक एसिड, तो 6 ग्लूकोज से 2 × 6 यानी कि 12 पायरविक एसिड बनेगा। अब ये बताइए कितना एटीपी जनरेट होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में? देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर 24 होगा, 24 होगा इसका आंसर, ठीक है? देखो एक ग्लूकोज से 2 पायरविक एसिड बनेगा, तो 6 ग्लूकोज से 12 पायरविक एसिड बनेगा, ठीक है? एक बार जब आप पायरविक एसिड के लिए जाएंगे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 2 एटीपी लगता है, ठीक है? अगर आप 1 पायरविक एसिड के लिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखें तो 2 एटीपी लगता है, तो 12 पायरविक एसिड के लिए कितना लगेगा, 2 × 12 लगेगा, यानी कि 24, 24 एटीपी जो है, ठीक है, ये आपका चाहिए अगर 6 ग्लूकोज एंटर करे और आपको सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी बताना है। तो नेक्स्ट है नंबर 20 पर आइए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है आपको और नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करिए। स्लाइड्स क्लियर हैं, ऑप्शंस क्लियर हैं, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, क्या गलत है? ये आपको क्लासिफिकेशन से पूछ रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के 3 क्लासेस होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे बेस्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक में यूज करते हैं वो टाइप 2 होता है। यहां पे क्या कह रहा है कि आपको गलत स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है? हाँ, वही वही बिल्कुल, एक ग्लूकोज से 4 एटीपी बनेगा, ठीक है? बिल्कुल 4 बनेगा, तो 4 को 6 से, ठीक है, 4 6 24, तो सबस्ट्रेट ऐसे भी बता सकते हैं, तो एक ग्लूकोज के थ्रू बताएंगे तो 4, और अगर एक पायरविक एसिड के लिए बताएंगे तो 2, ठीक है? दोनों के सेंस में आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इसका, डियर ध्यान से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्यों? देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में क्लासिफाई करते हैं ना, ये सब यूनिट्स के बेसिस पे नहीं करते, ये डिपेंड करता है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, कट कर रहा है कि नहीं, एस एडिनोसिल मेथियोनिन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो इनका क्लासिफिकेशन सब यूनिट्स के बेसिस पे नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोनोकार्पिक? मोनोकार्पिक स्पीशीज को फाइंड आउट करिएगा। मोनोकार्पिक का मतलब फ्लावर वंस इन अ लाइफ, जिंदगी में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है, वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइफ में केवल एक बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा, मोनोकार्पिक बताइए। बैम्बू, एप्पल, गुआवा, कैक्टस,
बैम्बूसा टुल्डा, पायरस मेलस, साइडियम गुआजवा या फिर ओपुनशिया, क्या होगा आंसर? बिल्कुल एक आंसर मेरे पास आ रहा है और बच्चे करेक्ट आंसर, इट्स वेरी सिंपल आंसर, बैम्बू होगा। बैम्बू है, मोनोकार्पिक होता है भाई, लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर इसमें आपको और एनसीईआरटी से याद करना है तो आप क्या याद करेंगे, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना भी याद रखिएगा। बिल्कुल बैम्बू होगा, बैम्बू आपका एक बार लाइफ में केवल एक बार, ठीक है। और उसके बाद मेडसोइडस कैना, ये भी एक बार, साथ में स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना भी याद रखिएगा, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, लाइफ में केवल एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए क्लास। साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये आयरन सल्फर है जो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। एंड साइटोक्रोम C1 ये किसका पार्ट है? साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम C1, ये क्वेश्चन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से है, जहां पे आप टर्मिनल ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, चार कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक पांचवा कॉम्प्लेक्स F0F1 वाला भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या करेक्ट आंसर है? फिगर बेस्ड भी पूछ सकता है एग्जाम में। प्लांट फिजियोलॉजी का दो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको। आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, UQH2। ये यूबीक्विनोन है, ठीक है, यूबीक्विनोन जो पहला मोबाइल कैरियर होता है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे चारों में से। और इन क्लास को लेने के बाद, ठीक है, आप इसको रिवाइज करिएगा, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ओवरऑल बायो से एक प्रैक्टिस सेशन हमारा 24 तारीख को शाम 5 बजे भी है, प्रैक्टिस सेशन Part 2 कंप्लीट बायो के ऊपर है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग 5 PM to 6 PM। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें? अगर आप देखें, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड डज नॉट इन्वॉल्व सेम पाथवे, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि सबका, ठीक है, स्टार्टिंग भले ही अलग हो लेकिन सबका एंड प्रोडक्ट एक होगा। क्रेब साइकिल प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, गलत है, ठीक है, केवल 1 मॉलिक्यूल होगा। द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनेट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ GTP, ये सही है, करेक्ट आंसर यही है। सक्सिनिल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में डायरेक्ट ATP बनती है, ठीक है। और उसके बाद RQ सकुलेंट्स के लिए 1 आती है, गलत है, सकुलेंट्स के लिए 1 नहीं आती है, वहाँ पे क्या आएगा सकुलेंट्स के लिए, यहाँ पे वैल्यू जो आती है 0 आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन नॉर्मली वो यूनिटी या 1 होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन मैमेलियन सेल, फटाफट आंसर करिएगा। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको जीन का ट्रांसफर मैमेलियन सेल में करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो मैमेलियन सेल में आपको करनी है, तो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर आप यूज करेंगे? आंसर PBR 322। और बताइए, PBR 322 गलत है, करेक्ट आंसर सिमिनियन वायरस होगा, याद रखना।
मेमेलियन सेल्स के लिए या यूकैरियोट के लिए सबसे बेटर जो होता है ये सिमिनियन वायरस है। नेक्स्ट है, इन द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का दो फेज होता है, प्रिपरेटरी और पे ऑफ, एक में इनपुट देते हैं एक में आउटपुट मिलता है, तो इनपुट वाले फेज की बात करनी है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रिपरेटरी फेज है, दो एटीपी मॉलिक्यूल आपने कंज्यूम किया, कितनी एनर्जी उसमें से निकलेगी, 8.15 किलो कैलोरी पर मोल, 14.6 किलो कैलोरी पर मोल, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, 6.5 कैलोरी पर मोल, क्या होगा आंसर? प्रिपरेटरी फेज में दो एटीपी खर्च होती है, एनर्जी कैलोरी या किलो कैलोरी के रेफरेंस में क्या होगा, इसको याद करिएगा, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर 7.3 होगा किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए क्लास। पाश्चर्स इफेक्ट्स किससे रिलेटेड है? पाश्चर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है। पाश्चर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ध्यान से, लुईस पाश्चर के नाम पर है पाश्चर इफेक्ट, देखो डियर, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, फर्मेंटेशन, जो एक तरीके का एनेरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज आपका इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। तो पाश्चर इफेक्ट जो है वो फर्मेंटेशन के इनहिबिशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका पीसीआर साइकिल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से है। टाक पॉलीमरेज का नाम सुना होगा, टाक पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, दो एंजाइम्स होते हैं जो आपके हीट स्टेबल हैं, दे आर द हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिनका पीसीआर साइकिल में इस्तेमाल है। तो टाक पॉलीमरेज को कहां से निकालते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर, क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास, टाक पॉलीमरेज को फोकस करना है आपको, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी म्यूलिस के थ्रू जो आपका डिस्कवर हुआ है, ठीक है, इन्होंने एक्चुअली ये इन्वेंट किया है, सॉरी। तो जीन एम्प्लीफिकेशन में जो हीट स्टेबल, आप हीट स्टेबल डीएनए का यूज करेंगे, उसमें आप जो टाक पॉलीमरेज यूज करेंगे कहाँ का सोर्स है, फटाफट से आंसर देंगे। एग्जैक्टली इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, थर्मस एक्वेटिकस, याद रखिएगा ये हीट स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होगा, ठीक है। क्लास क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 35 में से 28वां है, लास्ट के 6-7 मिनट हैं, फटाफट से करेंगे। इन कार्बन फोर साइकिल, C4 साइकिल, हैच एंड स्लैक पाथवे में अगर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को आपने फिक्स करना है तो कितना एटीपी चाहिए और कितना NADPH2 चाहिए? इन अ C4 साइकिल द फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर डैश ATP एंड डैश NADH2। थ्री टू, फाइव टू, फोर टू, फोर थ्री, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप जब कार्बन साइकिल फोर चलाएंगे जिसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, आपने स्टेप में जो देने एक मॉलिक्यूल के लिए देना है आपने, तो 5 ATP, ठीक है,
और दो NADH2, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि C4 साइकिल ऑल्सो ऑपरेट्स, ठीक है, 6 times, 6 बार चलती है, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होती है तो ग्लूकोज बनेगा. ऑपरेट 6 times टू प्रोड्यूस 1 molecule ऑफ ग्लूकोज. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया. कौन से ट्रांसजेनिक प्रोटीन का यूज करेंगे आप ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में? OKT3, हिरोडिन, रियो प्रो या एस्पराजिनेज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29, आंसर याद रखिएगा क्लास, एस्पराजिनेज, ठीक है, इट्स अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हिरोडिन जो होगा क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, रियोप्रो जो होगा, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए. बेसिकली जो आपने यहाँ पे लास्ट में देखा था एस्पराजिनेज, ठीक है, जो एस्पराजिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा वो ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट करेगा. सेकेंड लेक्चर कब? यूट्यूब पर सेकेंड लेक्चर जो है ये आपका 26 के बाद होगा. मैं आपको डेट और टाइम इन्फॉर्म करूँगी. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम अप होने वाला है, फटाफट से करिएगा. क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा. कौन सी प्लांट स्पीशीज का इस्तेमाल किया गया था ट्रांसजेनिक हिरुडिन बनाने के लिए? देखो, हिरुडिन एक एनिमल प्रोटीन है. इट्स अ एंटी कोएगुलेंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा. फाइलम एनिलिडा में जो लीच होता है ना, लीच की बॉडी में हिरुडिन होता है जो ब्लड क्लॉट करने से रोकता है, लेकिन उसको निकाल करके प्लांट में इनकॉर्पोरेट किया गया था ताकि वो एनिमल प्रोडक्ट आपका प्लांट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. ब्रैसिका नेपस में, ब्रैसिका कंपेस्ट्रस में, निकोटियाना टिबेकम में या फिर जियामेज में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है. माय प्लेजर मुकेश. मैं आपसे ये कहूंगी कि यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ मेरी अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन करिए. ये बिल्कुल फ्री है. ठीक है, यूट्यूब पर क्या होता है ना कि आपके और मेरे बीच में जो क्रॉस, मतलब जो आप कमेंट शेयर करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन स्पेशल क्लास में पोल्स वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो लीडर बोर्ड डिस्प्ले करता है. तो मैं आपसे यही कहूँगी कि फ्री स्पेशल क्लासेस में आओ, और साथ में अगर आपको रेगुलर पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड JUHI10 यूज़ करके. आंसर इसका ब्रेसिका नेपस होगा. रैप सीड बोलते हैं इसको, ब्रेसिका नेपस को, जिसके अंदर, जिसके सीड में हिरुडिन का जीन इनकॉर्पोरेट करके हिरुडिन का प्रोडक्शन कराया गया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. रीड द गिवन इक्वेशन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व. ये आपको देखना है. ये एक्चुअली रिएक्टेंट है. ठीक है, सॉरी, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट का पार्ट है. ये ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस H3PO4 प्लस NAD पॉजिटिव. एरो है यहाँ से, एंजाइम लगा है ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस NADH2. क्या होगा, कौन सा इक्वेशन है? ये ग्लाइकोलिसिस का है. आइसोमेराइजेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, ग्लिसरल डिहाइड का कन्वर्जन ग्लिसरिक एसिड में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन. एग्जैक्टली, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा. नेक्स्ट है बायो वेपन, जिसको बायो वॉर में यूज करते हैं. ये क्या होते हैं?
बायो वेपन्स क्या होते हैं? लो कॉस्ट वेपन्स हैं, कॉजेज मोर डैमेज, ज़्यादा नुकसान करते हैं, इनविजिबल होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ऑल ऑफ दीज। बायो वेपन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जहां ऑर्गेनिजम्स को वेपन की तरह यूज करते हैं। बायो वेपन्स यूज्ड इन द बायो वॉर, क्या होगा आंसर? आंसर इसका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है? आप इसके साथ जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लो कॉस्ट हैं, आसानी से आप इनको रख सकते हैं, डैमेज ज़्यादा करते हैं, चूंकि ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिलीज होने के बाद टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कोई इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बचती नहीं है जो आपकी कम्युनिटी पर इफेक्ट करे, ठीक है? नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन, आउट ऑफ द 33rd पर आइएगा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी जिसको एंडी बोलते हैं, वो कैसे और कब पैदा हुआ भाई? एंडी ट्रांसजेनिक मंकी है, वॉज बॉर्न बाई, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे मैक्सिमम। और आज तो मॉर्निंग में क्लास है इसलिए बच्चे काफी कम है, अदरवाइज कल परसों वाली क्लास इसीलिए मैंने शाम को प्लान कर दी है 5 to 6 PM पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उस टाइम अवेलेबल होंगे। फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी एंडी वॉज बॉर्न बाई, 33rd का क्या आंसर होगा? आज की क्लास में मजा आ गई, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है मुकेश। मैं यही कहूंगी आप एक बार स्पेशल पर आओ, स्पेशल क्लास में आओ और मजा आएगी, वहां पे बच्चे 300-400 बच्चों के साथ कंपटीशन होता है एक बैच में, और वहां लीडर बोर्ड दिखाते हैं और अच्छा लगता है वहां पे। तो इसके साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर ध्यान दीजिएगा क्लास, 33rd का आंसर बी होगा, इंट्रोड्यूसिंग DNA ऑफ अ फ्लोरेसेंट जेलीफिश, ठीक है, दिस इज ऑरेलिया, इनटू अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द रीसस मकाका। फ्लोरेसेंट जेलीफिश फाइलम सिलेंट्रेटा से है ऑरेलिया, इसका जीन लेकर के रीसस मंकी के अनफर्टिलाइज्ड एग में डाला और एंडी, ठीक है, जो पहला ट्रांसजेनिक मंकी है, इसको प्रिपेयर कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए क्लास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंपल्सरी फॉर, ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपल्सरी नहीं है, किसके लिए? फॉर रिकॉम्बिनेशन, फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या कंपल्सरी नहीं है? थैंक यू, मैं प्लस पे हूं समित, प्लस पे हूं और डेली प्लस, अनअकैडमी प्लस पर हूं, पिछले एक महीने से प्लस की रेगुलर क्लास चल रही है, क्लास 11th और 12th के लिए, शाम 6 बजे का बैच क्लास 12th का होगा, रात में 8 बजे क्लास 11th, CBSE 11th और 12th की रेगुलर बैचेस चल रही हैं। मुझे आप ज्वाइन करिएगा मेरे अनअकैडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑन 9721922842, ये ऑफिशियल नंबर है, आप उस पे मुझे मैसेज करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा है, pariksha_org.in, आप इस पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। 35 क्वेश्चंस हैं, बता दूं इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको मालूम है बाई पेरेंटल होगा, सिंगैमी होती है, मियोसिस होता है, इज नॉट कंपल्सरी फॉर। देखो रिकॉम्बिनेशन के लिए कंपल्सरी है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी तो नया कैरेक्टर आएगा, नया कैरेक्टर आएगा तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा तो एवोल्यूशन होगा। ए बी और डी दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि एक से दो हो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तीन तो फिक्स है कि क्रॉसिंग ओवर होगी, वेरिएशन आएगा, एवोल्यूशन होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, गलत स्टेटमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। ए बी सी डी क्या होगा राइट आंसर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके
तब तो अच्छी बात है, मुझे एक्चुअली इतने सारे बच्चे हैं ना इंडिविजुअली. वेल, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर होगा? देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल दवा टेस्ट करने के लिए करते हैं, ये बिल्कुल सही है. इनका इस्तेमाल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं जो ह्यूमन यूज करेगा, ये सही है. और ट्रांसजेनिक डॉग, जिसका नाम डॉगी था, इसको रिकवर किया गया था उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घायल हुए थे. सबको मालूम है ना, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था 2001 में, और समय बिन लादेन वाला जो केस था. तो गलत क्या है? माइस आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग फॉर मॉलिकुलर फार्मिंग. ये गलत है. मॉलिकुलर फार्मिंग का मतलब होता है लिविंग बॉडी में बायो मॉलिक्यूल्स बनाना. तो मॉलिकुलर फार्मिंग के लिए माइस बेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है. मॉलिकुलर फार्मिंग कराने के लिए सबसे बढ़िया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जैसे शर्चिया कोलाई होगा. ध्यान दीजिएगा, मॉलिकुलर फार्मिंग उनके लिए बेटर है जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, जो प्रोकैरियोट है, और जो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है या डिवाइड करता है. ठीक है, तो आज का पहला ये प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर हमारा खत्म हो गया. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग. मुझे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, ठीक है, मुझे ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप पे. और साथ में जो बच्चे प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करेंगे. फाइन, थैंक यू, जय हिंद.